हिमाचल प्रदेश में सरकार की मदद न मिलने से भेड़ पालक गद्दी मायूस दिख रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से गद्दियों के लिए कोई भी योजना न होने से भेड़ पालक के व्यवसाय चौपट होने के कगार पर पहुंच गए हैं। यही नहीं, पिछले एक दशक से गद्दियों की संख्या में कमी आ रही है और युवा पीढ़ी इस व्यवसाय में रुचि नहीं दिखा रही है। ऐसे में कुल्लू मंडी के गद्दियों ने प्रदेश सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। गद्दियों की माने तो इस व्यवसाय में युवा पीढ़ी रुचि नहीं ले पा रही है, जिसके कारण धीरे धीरे व्यवसाय समाप्त होने वाला है। ऐसे में सरकार को इस व्यवसाय को जीवित रखने के लिए भेड़ पालकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से सब्सिडी का प्रावधान करना चाहिए, ताकि गद्दियों को सरकार की योजना का लाभ मिल सके। जिला मंडी के भेड़ पालक हीरा लाल लीलामणि मोहन ने कहा कि सरकार की अनदेखी से भेड़ पालक का व्यवसाय चौपट हो रहा है और ऐसे में पिछले कई सालों से भेड़ पालकों की संख्या में कमी हो रही है और युवा पीढ़ी इस व्यवसाय में रुचि नहीं दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस तरफ ध्यान नहीं देगी और गद्दियों को सुविधा नहीं मिलेगी तो भविष्य में ये व्यवसाय चौपट हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि गद्दियों के व्यवसाय को बचाने के लिए योजनाएं बनाकर सुविधा प्रदान की जाए, ताकि भविष्य में पशुधन का कारोबार जीवित रह सके। और भेड़ बकरियों का काम बहुत ही खतरनाक है, जैसे रास्ते में चलना है, जैसे ऊपर जोत में रहना है, बड़ा खतरनाक है, बहुत टफ काम है। और जैसे भी इसके साथ चलना, भेड़ बकरियों के साथ कोई चोर चटाल कहीं चलते है और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। खुले आसमान के साथ रहना, ऐसे ऊपर जैसे जोत में रहना है तो बड़ा मुश्किल होता है। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं है, इस सुविधा कोई नहीं है, तो अगले जो अगली पीढ़ी है तो ये तभी नहीं पाल रहे ना, भेड़ बकरी नहीं पाल रहे ना बिल्कुल भी, इस करके नहीं पाल रहे क्योंकि इसके साथ बहुत कष्ट बहुत ज्यादा है ना, तब नहीं पाल रहे। महीने तक घर से बाहर ही रहना पड़ता है भेड़ बकरियों के साथ, माल के साथ जो है बाहर ही रहना पड़ता है। और रास्ते में चलते चलते भी टाइम लगता है, दो महीने तो ऐसे निकल जाते, चलते चलते आने जाने के निकल जाते हैं, तो इनके साथ है बहुत टफ काम है। अगली पीढ़ी जो है तभी काम नहीं कर रही, इस काम को कर ही नहीं है, बहुत मुश्किल है जी। हम जैसे कि विशाख 12 को गए थे जी, और आगे भी हमारे को बहुत पानी बरखा बुरी हालत है जी। हमारे को कोई नहीं, कुछ नहीं है, चोर है, बैरी है, कुछ भी है, पानी बरखा। अब बर्फ पड़ी थी तो 2 दिन हम फंस के रहे, तीसरे दिन हम अब वापिस मंडी जा रहे हैं। हाँ, मंडी से विशाख महीने हम लाहौल स्पीति गए थे, 6 महीने निकाल के वहाँ से वापिस मंडी जा रहे हैं। बेडी चारते हुए जो है मेरे को 18 साल हो गई है, जब इस साल जो है हम मंडी में जा रहे हैं नीचे को, और इस साल बर्फ जो है भारी बर्फ गिर गई है और हमारे लिए जो सरकार जो है कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। इस पीढ़ी का जो है, नई पीढ़ी जो है, इसका जो भेड़ी पालन का ट्रस्ट नहीं लेगी जो ऐसा है, और धीरे धीरे से इन चीजों के लिए बढ़ाओ। और आजकल की जो पीढ़ी जो है, जो जैसा जो है हमारा पुराना जो है गाय भैंस बकरी भेड़ जो चलाते हैं, और अब की पीढ़ी जो है और पालन नहीं करेगी, तो इसके लिए जो है धीरे धीरे से जो भी हमारी जो है आजकल की भेड़ बकरी जो है इसको नहीं चलाएंगे और पन्ने पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। और नई पीढ़ी जो है जी, और पढ़ना लिखने में ज़्यादा पढ़ाई में शौक है, जो सरकार जो है जो सुविधा नहीं है। इसमें मुश्किल ऐसी है सर, गवर्नमेंट कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेती है। हमें ये मुश्किल है रात दिन, एक कुत्ते की जीना जो सौखा है हमारा जीना बहुत गलत है, क्योंकि पहाड़ों में रहना, ना पानी की सुविधा, कई जगह पानी की सुविधा नहीं है, कई जगह बस लकड़ी की सुविधा नहीं है, और इसमें ये है कोई भी हमारी देखभाल नहीं करता है। और फिर जो 10-12 सालों से हम इस काम को कर रहे हैं, एक टोला मंडी से हम, और इसमें कोई भी ये नहीं है दे रहे हैं हमें गवर्नमेंट। हाँ जी, तो अब मुश्किल ये है युवा पीढ़ी इस काम को नहीं करेंगी। इसमें देखो जी, पहाड़ में ही रहना पड़ता है, कोई नहाने की सुविधा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, और गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं इसमें देती है। हाँ जी,